एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने अगर के जो है सीड्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर के जो सीड्स है उसको ग्रो करने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है मैच्योर सीड्स की जो है आवश्यकता होगी। आपको मैच्योर सीड्स जो है चाहिए होंगे उसको ग्रो कराने के लिए। अब हम बात करते हैं कि मैच्योर सीड्स को आप कैसे पहचानें कि कैसे ये मैच्योर है या नहीं है। तो आपको उसको पहचानने के लिए जो है मैच्योर सीड्स को पहचानने के लिए आपको उसके कलर पर जो है ज़्यादा जो है ध्यान देना है। अगर आपके जो है अगर के सीड्स का जो है कलर वो ब्लैक है तो आप उसको समझ सकते हैं वो उगाने के लिए बिल्कुल मैच्योर है, और अगर उसके जो है सीड्स का कलर जो है वाइट है तो वो मैच्योर नहीं है। और पेड़ जो है आपका अगर का जो पेड़ है लगभग 12 से 15 साल का अगर पेड़ है तो उसका जाहिर सी बात है आपका सीड जो है मैच्योर होगा। और आपका जो है मैच्योर सीड आपको जो है कब प्राप्त होता है, वो मैच्योर सीड आपको लेकर मई से लेकर के मई जून जुलाई अगस्त इन जो है 4-5 महीने के अंदर आपको जो है मैच्योर सीड जो है देखने को मिल जाता है। तो अब इसको जो है आपको लगाने के बाद जो है आपको इससे काफ़ी जो है पौधे ग्रो होंगे। अगर आप इसमें जैसे कि अगर आपने इसमें 100 प्लांट से लगाएँ 100 सीड्स अगर आपने ग्रो करने के लिए लगाए हैं तो आपको उसमें जो है 95 जो है उसके अंदर जो है आपको सीड्स जो है ग्रो हो जाएंगे। ये जो है मेरा जो है ख़ुद का दावा है, क्योंकि मैं 95% जो है वो बीज ग्रो हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको इसको ग्रो कराने के लिए सीड्स जो हैं अच्छी क्वालिटी के जो है सीड्स लगाने हैं। और आप जो है पहली बारी में जो हैं जब आप पहली बार इसको सीड्स को ग्रो कराएं तो उसमें जो है थोड़े ज़्यादा जो है सीड्स से जो है शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप पहली बार लगाएंगे तो ज़्यादा चांसेस जो हैं आपको जो है सीड्स जो है ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसलिए आप जो है ज़्यादा सीड्स लगाएं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप इसमें जो फुल डिटेल में जानना चाहते हैं सीड्स से लेकर के पौधे को ग्रो कराने तक की जानकारी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।